गोरखपुर पहुंचे नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। लखनऊ में शिवपाल यादव 6 LBS आवास पर पहुंचे, नए घर में पूजा पाठ की। आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण के शैक्षिक सत्र की शुरुआत विदेश मंत्री राज्य मंत्री वीके जनरल सिंह ने की। दिल्ली के 5-स्टार होटल में असलाह लहराने के मामले में होटल को नोटिस भेजी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। पिस्टल कांड के मुख्य आरोपी आशीष पांडे के बचाव में पांडे परिवार का पहला बयान आया है, उनके चाचा पवन पांडे ने बयान दिया है। कौशाम्बी में गरीब परिवारों को थमाया गया है 6 लाख रुपए का बिजली का बिल, शिकायत के बाद भी जेई ने नहीं की है कोई मदद। मिर्जापुर में मध्य प्रदेश सरकार ने यूपी को बाढ़ सागर डैम का पानी देने से मना कर दिया। असल में 15 करोड़ रुपए का बकाया है, बल्कि 150 करोड़ का जो बकाया हो गया है। बस्ती में चीनी मिल में स्क्रैप निकलने गए अधिकारियों का विरोध हुआ है। स्क्रैप निकालने के विरोध में महिलाओं ने गेट बंद कर प्रदर्शन किया है। बाराबंकी में पूर्व मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के भाई का निधन हो गया। सिरौली गौसपुर में पुस्तैनी निवास पर उनका निधन हुआ। खीरी में जिला सहकारी बैंक खजूरिया शाखा में तैनात मैनेजर समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, धोखाधड़ी का केस है। लखनऊ में कॉन्ट्रैक्टर के घर में 40 लाख की डकैती से हड़कंप मच गया है। बदमाशों ने किराएदार को बांध कर डाका डाला है। इलाहाबाद में 4 अज्ञात बदमाशों ने दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर पूजा कमेटी के अध्यक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद बम भी फेंके गए हैं। प्रतापगढ़ में एमआर की हत्या का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने मानधाता के भगवतगंज में सड़क पर जाम लगाया, हालांकि अब जाम खुलवा दिया गया है। चंदौली में अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के समर्थकों का हंगामा देखने को मिला। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दरमियान हंगामा किया। मथुरा में अनियंत्रित गाड़ी खड़े ट्रक से टकरा गई, हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई, 1 गंभीर रूप से घायल है। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव मिला है, शव का शिनाख्त तब तक नहीं हुआ है। फरुखाबाद में बेखौफ दबंगों ने महिला समेत बच्चों को बंधक बनाया है। दबंगों ने परिवार को घर में बंद करके ताला लगा दिया। सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में जमकर खेल हो रहा है। योजना के तहत जो भी समान कार्यदायी संस्था के द्वारा वितरण होने थे वे नहीं हो रहे हैं। हमीरपुर में दबंगों की पिटाई से महिला के गर्भ में पल रहे मासूम की डेथ हो गई। खुले में शौच करने का विरोध करने पर दबंगों ने महिला को पीटा। खीरी में शोहदे ने युवती से छेड़छाड़ की, युवती ने शोहदे की जमकर पिटाई की। शहर के पास जिला अस्पताल के पास का यह मामला है। कौशाम्बी में पेड़ से सवारियों से भरी अनियंत्रित बस टकरा गई, हादसे में कई लोग घायल हो गए, 3 लोगों की हालत गंभीर है। उन्नाव में नहर के पुल की रेलिंग तोड़कर तेज रफ्तार कार गिर गई, कार में 4 से 5 लोगों के होने की संभावना है। संभल में बदमाशों ने परिवार के मुखिया को गन पॉइंट पर लेकर 5 लाख की लूटपाट की है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हुआ। गोड़ा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, एम्बुलेंस न मिलने से प्रसूता की डेथ हो गई। नवजात को CHC के ICU में भर्ती कराया गया है। लखनऊ में महिला सिपाही ने नदी में डूबे युवक को बचाने के लिए छलांग लगा दी, युवक को अकेले महिला सिपाही ने निकाला, पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई। ललितपुर में सागौन की लकड़ी बरामद की गई है, जंगलों से अवैध कटान कर घर में छिपाई गई लकड़ी थी। दुर्गाष्टमी के मौके पर हर तरफ मंदिरों में देखने को रौनक मिल रही है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिरों में जमावड़ा लगा है। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है, मां के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं।